जैसे हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि उसका मल्टीप्लाई जब आए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, या हम कितना इसमें ऐड कर दें तब वो पूर्ण संख्या बन जाए, या हम इसमें से कितना घटा दें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं। तो आइए आज हम बताते हैं आपको कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 5 अंकों की हो और पूर्ण वर्ग हो। अब 5 अंकों की संख्या हो और छोटी हो, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? वो है, देखिए 1 लिखिए और 4 0 और लगा दीजिए, ये 5 अंक हैं और इससे छोटी संख्या 5 अंकों की नहीं हो सकती। तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी ये बताना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि पूर्ण वर्ग हो, है ना? अब करके देखना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकालिए, अगर कंप्लीट वर्गमूल निकल रहा है तो पूर्ण वर्ग संख्या है, या जितना कम पड़ रहा है उतना ऐड कर दीजिए, बस पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। ये है। तो इसमें कई चीजें एक साथ देखने को मिल रही हैं। एक तो क्या हम जोड़ दें, क्योंकि घटा नहीं सकते, एक भी इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो ये 4 अंकों की रह जाएगी, इसलिए इसमें जोड़ना ही जोड़ना है। तो ये क्वेश्चन उस तरीके को भी सॉल्व कर रहा है जिसमें ये पूछा जाए कितना हम जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, और ये क्वेश्चन ये भी बता रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो 5 अंक क्या है? कोई भी अंक का हो जाए, 6 7 8, जितने अंकों का निकालना हो अंक की सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए। अब इसका वर्गमूल निकालिए। देखिए पेयर बनाते हैं, अब 1 है, यहां 1, 1 जा ये निकल गया, अब इसमें से इसको माइनस किया जाता है तो ये माइनस हो गया, 0 बचा, इससे कोई मतलब नहीं, ये पेयर निकला, एक पेयर। अब इस यहां एक और एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 के आगे अगर 1 भी ले जाएंगे तब भी 21 आता है, 0, ये 0 बार ही जाएगा, तो 1 0 यहां लिखिए, 1 0 यहां लिखिए, फिर देखिए नहीं जा रहा है, फिर 0 ही तो उतर रहा है, तो 1 0 बार और निकालिए। तो ये आपका 100 तो आ ही गया, कंप्लीट आ गया, मतलब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो यही है। ये देखिए संयोग ऐसा है कि वही नंबर जो सबसे छोटा होता है वही नंबर 5 अंकों का सबसे छोटा नंबर है। आइए अब इसी समय वो भी सीख लें कि अगर बड़ा नंबर निकालना होता कि 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, अब इसके लिए क्या करेंगे? देखिए अब सबसे बड़ा नंबर 5 अंकों का होता क्या है वो लिख लीजिए। जैसे 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर 5 बार 9 लिख दीजिए, ये 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर है, अगर इसमें एक भी जोड़ देंगे तो ये 6 अंकों का हो जाएगा, इसमें घटाना ही होगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन भी इसमें बन रहा है कि इस नंबर से क्या हम माइनस कर दें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ये सवाल इसी तरीके से निकालना है, क्योंकि अब भाई इसमें हम क्या घटा दें, घटाना ही पड़ेगा, जोड़ेंगे तो अभी अंक बढ़ जाएंगे, इसमें 6 अंक हो जाएंगे भाई, 0, जैसे ही 1 जोड़ेंगे 0 बढ़ जाएगा, तो एक अंक बढ़ जाएगा। 5 अंकों की ये संख्या सबसे बड़ी लिखी हुई है, इसमें से हम घटाएं तो भी 5 अंकों की ही होगी। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, देखते हैं ये पेयर बना। अब यहां देखिए 3 3 9 ये निकल गया, अब ये 3 इसमें आकर के ऐड किया जाता है, थोड़ा सा इधर बढ़ा करके लिखा जाता है, 3 3 6 हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, और ये पूरा पेयर नीचे उतारते हैं 99। अब ये 99 नीचे आया, अब यहां पर देखिए अगर 2 लिख देते हैं, अंदाजा लगाना होता है डिवाइड में, तो 2 लिख देते हैं तो 6 2 12 होता है, ये 12 के ऊपर निकल जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, ये 1 यहां 1 यहां, तो ये इस 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, 61 ये आ गया। अब माइनस करिए तो ये 9 में से 1 गया 8, और इधर 9 में से 6 गया 3, और ये 99 पूरा का पूरा पेयर यहां कॉपी हो गया। ये अब देखिए ये 1 भी यहां पर ऐड होगा,
ये वन ऐड हुआ तो हो गया ये 62। अब देखिए 62 हो गया, अब यहां पर कुछ भी लिखें वही नंबर इन दोनों पे लिखा जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, नियरेस्ट इसके आसपास होना चाहिए, इससे छोटा। तो देखिए अंदाजा लगाते हैं पहले, देखो 6 है, एक नंबर से अगर हम अंदाजा लगाएं तो देखिए 38 है, लगभग 6 टाइम्स आने की पूरी संभावना है ना, 6 6 तो 6 टाइम्स हो सकता है, गलत भी हो करना पड़ेगा। तो 6 तो 6 से अब इस 6 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है, 6 6 36, 6 2 12 होता है और 3 उधर से बचा हुआ था 15 और 6 6 36 और ये 1 इसमें जो बचा था तो 37। ये नंबर इसके नीचे आएगा। अब देखिए ये जो माइनस करेंगे, माइनस कहीं इससे ज्यादा ना बचने पाए, क्योंकि इससे ज्यादा अगर एक ज्यादा बच जाता है तो 27 टाइम्स जाता है। तो आइए देखते, तो ये यहां पर 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 बचेगा, और ये 9 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 4 और यहां बचेगा 1। ये नंबर बच रहा है, मतलब ये नंबर अगर इसमें ना होता तो कंप्लीट हो जाता, यही तो मतलब हुआ। तो ये नंबर इसमें से माइनस करिए, वही पांचवा नंबर है, पांच अंकों का नंबर है जो पूर्ण वर्ग नंबर है। तो इस नंबर को लिखिए और उसमें से 143 माइनस कर दीजिए। तो इस नंबर को लीजिए, लिखिए तो 9 9 9 9 और 9 ये आया। अब इसमें से 143 माइनस कर देंगे तो 9 में से 3 गया, ये बच गया आपका 6 और यहां 5 और ये बच गया 9 में से 18 और ये 99। ये नंबर आपका पांच अंकों का है और सबसे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा नंबर और कोई नहीं होगा पांच अंकों में जो पूर्ण वर्ग नंबर हो, कंप्लीट स्क्वायर नंबर यही है। तो इस तरीके से एक निकालिए और देखिए, कोशिश कीजिए, यहां पर कुछ अंदाजा लगाना पड़ता है, जहां जहां ये निकालने के सिस्टम में ही ऐसा है कि आपको गेस करके, क्योंकि कोई याद तो किसी को होता नहीं कि इतने से मल्टीप्लाई करें इतना हो जाएगा, वो टिक थोड़ी ना है। तो तरीके हैं, तो जो नियम है उसके अनुसार आप इसको सॉल्व करें और लास्ट में जो नंबर बच रहा है, बचने का मतलब ये होता है ये नंबर इसमें ज्यादा है तभी तो बचा, या तो कम पड़ना चाहिए। तो ये जो बच रहा है नंबर, इसी नंबर को इसमें से माइनस कर दें, तो जो अब अगर इस नंबर को करेंगे तो नहीं बचेगा। आइए करके देखते हैं, अगर हम इस नंबर का इस रूट निकालें तो अब नहीं बचेगा, क्योंकि ये ज्यादा था इसमें, अभी प्रूव हुआ। तो आइए, अब नंबर बन गया 99856, ये पांच अंकों का सबसे बड़ा नंबर है। तो आइए इसका वर्गमूल निकाल करके देखते हैं कि बचता तो नहीं है कुछ, ये बात सही है या नहीं सही है, चेक कर लेते हैं। तो 3 3 9 3 इसमें ऐड कर देंगे 6 और 98 माइनस करेंगे तो आप बच, ये कॉपी करेंगे नीचे तो ये बचेगा, अब 1 टाइम्स जाएगा 61, फिर माइनस करेंगे और ये 1 इसमें जोड़ेंगे, ये 62 आया। अब 8 में से 1 जाएगा 7 और 9 में से 6 जाएगा 3 और ये 56, ये फिर कॉपी करेंगे इस तरीके से, पूरा पेयर कॉपी होता है ये ध्यान रखना है। अब देखिए ये 6 टाइम्स आप ले जाएंगे, अब 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 36 और 6 2 12 और 3 15 और 6 6 36 और ये 137। ये देखिए कंप्लीट, ये 0 बच गया, ये कट गया यहां पर पूरा, अब यहां जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, ये इसका वर्गमूल निकल गया। तो ये तरीका बिल्कुल ठीक था, इसका मतलब आप भी समझ गए होंगे। एक दो नंबर और लीजिए, ट्रायल कीजिए कि क्या हम माइनस कर दें कि कंप्लीट नंबर मिल जाए, उसके लिए ये नियम है। क्या करना है आपको, कोई भी नंबर लीजिए, उसका वर्गमूल निकालिए, लास्ट में जो नंबर बच जाता है वही नंबर इसमें से माइनस करना होगा,
देखिए वहां पर यह ध्यान रखना है, पूछता है जो कि पूछेगा कि क्या नंबर माइनस कर दें, तो माइनस कर दें तब मिले ना, तो उसमें ध्यान रखना है आपको यह रिजल्ट देना है, इस नंबर को माइनस कर दें। यहां पर यह पूछा गया था पांच अंकों का सबसे बड़ा नंबर, यहां पर बड़ा नंबर पूछा गया था, क्या माइनस कर दें या क्या ऐड कर दें नहीं पूछा गया था, क्या सब पांच अंकों का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, तो सबसे बड़ा नंबर ये होगा, ये था सबसे अंकों का सबसे बड़ा ये था, लेकिन ये इतना इसमें ज्यादा है उतना माइनस कर लेंगे तो ये नंबर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये तरीका सीखा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।